बता रहा था, ये चीज बता रहा था जब, या ये जो है ये कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। हेलो, कोई है उधर? मेरी बात कोई सुन रहा है? अच्छा, अभी नए स्टूडेंट है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। अगर मेरी आवाज आ रही है तो 3 तो राइट करें, एटलीस्ट मुझे यकीन तो आ जाएगी आवाज तो आ रही है आपको। 3 लोगों को तो आ रही है, अहमद को आ रही है, वलीद को आ रही है, दानियाल को आ रही है, जैन को आ रही है, मासब को आ रही है, कादिम को भी आ रही है, अहमद को भी आ रही है, बाकी लोगों को नहीं आ रही ना। नहीं, को भी आने लगी। सही। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी और बच्चे भी आए हैं और पता नहीं क्या बात है, वो आते हैं और आके जो घूम के फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं घूम। जरा अपना नेट के कनेक्शन वगैरह को चेक करें, अगर फिजिकली क्लास के अंदर ऐसा हो तो टीचर आपको बोले कि या तो बाहर चले जाए या अंदर बैठ जाए, एक काम कर। यहाँ असल में पता नहीं चलता, डिस्टर्ब नहीं होती क्लास के, कब आप निकल गए कब वापस आ। खैर, दोबारा देखेंगे इस चीज़ को, कि ये मैंने आपको जो है ना एक जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सब सुन रहे हैं मुझे तो 2 राइट करें ना, ताकि अभी मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 तो राइट करें, बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, और कौन से सुने। चलो सही है, वलीद काजिम वगैरह को फौरन आ रही थी आवाज, सही, सामिया को भी आ गई। चलो ठीक है, अब ज्यादा बच्चे हैं और एक मेरे ख्याल में फिर निकल आएंगे, क्योंकि अभी 16 थे, अब फिर 15 हो गए। अब वो कौन निकलेंगे वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, मैं जब वो दोबारा वेटिंग होता है। सही है, अब जरा गौर से सुने, ये मैं ग्रेड किया आपको, इसकी जो कंडीशंस डिफाइन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो चेक कर रहा है। तो ये जो रेंजेस हैं कि 87 और वो, तो ये जो परसेंट की वैल्यू आ रही है ना, तो वैल्यू जो एक्चुअली वो किस तरीके से जो चेक हो रही है, और उसके बेसिस पर ग्रेड असाइन हो रहा है। तो लेट सपोज के वो जो है 77% हमारी कैलकुलेट हुई स्टूडेंट की, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है पहले जो हमारी सबसे पहले चेक है वो ये है, यानी यहाँ जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो जाहिर बात है ये जो है ये क्या है, कंडीशन फॉल्स है। क्यों? 77 के 87 और 100 के बिटवीन आता है? नहीं आता ना, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स। ठीक, अब जो है वो क्या करेगा, अब जो है वो अगेन इधर इसको चेक करेगा, क्योंकि ये आपने जो है सेकेंड क्वेश्चन जो है वो दिया, सेकेंड जो है वो ये कंडीशन दी हुई 78 और 86। तो ये देख लें 78 और 86, सही, इसके बिटवीन चेक करेगा तो जाहिर बात है 70, क्या 77 इसके बिटवीन है? नहीं है, तो ये यहाँ पे जो है रॉन्ग हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन के अंदर क्या है, 72 और 77 के बिटवीन चेक करता है ये वाली, ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या ग्रेड दे देगा, आप लोग लिख के बताएं कि क्या ग्रेड देगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ मेरी माउस भी चल रहा है लेकिन फिर भी आप लिख के बताएं क्या ग्रेड देगा अगर ये 72 और 77 के दरमियान। हाँ सही लिखा नासिल ने, बिल्कुल सही लिखा, गुड गुड, वलीद ने भी सही लिखा, 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, फौज ने भी सही लिखा, कालिम ने भी सही लिखा। सही है, ये सिंपल सी बात है, सही है, सिंपल सी बात है। अब जो है वो ये वाला जो इफ है वो कैसे चल रहा है, कि अगर 87 और 100 की कंडीशन हो पहले ये चेक करता है। अब 77 हमारी वैल्यू थी तो जाहिर बात है ये नहीं फॉल करेगा यहाँ। फिर दूसरी कंडीशन में ये है 78 और 87, यानी ये जो कंडीशन 78 और 87 ये यहाँ पे भी फॉल नहीं करेगा, यहाँ पे कर जाएगा, यहाँ पे कर जाएगा। तो आपने क्या साइन कर दिया, इसको बी दे दिया। ठीक है, तो इसका जो है क्या बन गया आपके पास, ये बी ग्रेड बन गया, और ये जो है ये प्रिंट कर दिया। अब इस ग्राफ से जो पिक्चर है इससे सबकी समझ में आया है, तो आप वो 3 2 1 राइट करना शुरू कर दो। 3 का मतलब होगा अच्छे समझ में आया, 2 का मतलब होगा गंदा समझ में आया, 1 का मतलब होगा कि सही तरीके से समझ नहीं आया, 0 का मतलब होगा कि आपने बात ही नहीं सुनी। ठीक है, आप सही है, गुड, असल में बच्चे भी ज्यादा हैं और ये जो है बात सब पे 3 भी आ गए। सही है, ऑस ने भी, वो ऑस का खाली आया 2, लेकिन मेरे ख्याल में वो 3 लिखना चाह रहे होंगे, से टाइप हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ए हो गया, बी हो गया, बी बी प्लस, सी हो गया और एफ हो गया। तो ये जो ये तो ग्रेड हमने कर लिया था ना, अब खाली ये था कि इसके ऊपर हम ये कह रहे थे कि अगर ए आ जाए, अब स्विच केस के अंदर हमने वही ग्रेड लगाया जो एफ आएगा या कुछ आएगा,
अच्छा ग्रेड ए आया उसको तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सलेंट। मतलब ये भी तो होता है ना, जब आप उसको अवार्ड के लिए बुला रहे होते हैं किसी को और उसका ग्रेड ए आया होता है, एक्सलेंट परफॉर्मेंस ये कहेंगे ना, सही है। या उसको ये कहेंगे बेटर ट्राई अगेन, ये तो नहीं कहेंगे। तो उसके आसान हमने दिया हुआ कि अगर बी प्लस आ गया, अच्छा करेक्टर वही दिए हुए जो यहाँ पे दिए हैं बी प्लस। अगर ये आप कैपिटल में यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको जो कैपिटल में देना पड़ेगा, सही। इस तरीके से ये सी प्लस हो गया, ए बी प्लस, बी सी प्लस, और ये इसको क्या होना चाहिए, इसको जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। देखिए ग्रेड के लिए रखा मैं, तो मैं जो हूँ वो इधर कॉपी कर रहा हूँ, सही। तो ए बी प्लस बी सी, सही है। और ये सी हमारे पास क्या होता है, ये आखिरी होता है, तो उसके बाद जो होता है ये तो होता ही नहीं है, सही है। तो यू पास, और इसके अंदर जो है वो लिख देते हैं सी में ना, ये कह देते हैं यू जस्ट पास, सही है। ये हमने लेट सपोज दे दिया, और अब जो है वो हम इसको ग्रेड, अच्छा अगर इनमें से कोई नहीं हो तो हम क्या देते हैं। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि कैरेक्टर के लिए जो है वो सिंगल कोड यूज करते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो यूज कर लेंगे। ये हमने फिर डबल कोटेशन के अंदर यूज कर लिया, ठीक है जी। ये भी हमने जो है वो डबल कोटेशन के अंदर यूज कर लिया, ये भी जो है डबल कोटेशन के अंदर यूज कर लिया। तो अब जो है वो एरर के चांस तकरीबन ना होने के बराबर रह गए, ठीक है। और अब जो है वो हम इसको रन करते हैं, सही है। सही है। तो अब ये जो है आपने ग्रेड एंड के अंदर, अच्छा देखो दो दफा होगा, यहाँ पे भी ग्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे भी ग्रेड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हमें ना कंसोल डॉट रीड लाइन की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो में तो आए। अच्छा स्विच यहाँ से जब हमारे पास स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे तो स्विच एंड हो गया, यानी यहाँ से लेके जो है वहाँ यहाँ तक स्विच एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास ये किसका हो गया, ये मेन का हो गया ना, और ये जो है वो क्लास का हो गया। तो ये जो है कि एक्स्ट्रा आ गया आई थिंक, तो अगर एक्स्ट्रा नहीं होगा तो बता देगा। अच्छा देखो स्विच, आप देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा दो जगह आपने ग्रेड लिखा है, कंसोल ग्रेड ये भी लिखा है आपने और ग्रेड बाद में भी लिखा है, ये तो आप एक जगह लिखना चाहिए। लेकिन हमने क्योंकि देखो पहले जो है वो यहाँ पे पहले ग्रेड आना चाहिए फिर उसको शाबाशी देनी चाहिए, सही है। तो इसको अभी फिलहाल जो कमेंट कर देते हैं, लेकिन कमेंट कर रहे हैं इसको मिटा क्यों नहीं रहे, डिलीट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो है हमें ये प्लेस होल्डर के साथ है, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि प्लेस होल्डर के साथ जो है वो, अगर आप इसको कमेंट बनाए, सही। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले ये एरर देगा और रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ठीक है एरर इसने क्या दिया, देखो ये कैरेक्टर हमने कहा था ये जो है ना कॉपी पेस्ट में आ जाता है। अच्छा ये भी हमें पता है ये कहाँ है, 52 पे आया है, तो हम डायरेक्ट 52 पे चले जाएंगे, सही है, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये देखो ये गुड गुड जो है ना, इस कैरेक्टर की वजह से गुड भी बैड हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया। अब देखते हैं प्रोग्राम को रन करके, हाँ सही है। ये हमने देखा यू यू यू, ठीक है। और ये हमने जो है ना इसको अपने उसी से रखना है, 77 ही रखना है ना इसकी परसेंटेज, ताकि हमें जो है वो अपना बी लिखा हुआ नजर आ जाए, हमने बी समझाने में बड़ी मेहनत की, सही है। तो ग्रेड, और ग्रेड के ऊपर क्या रहा है, वेल्डर। अब जरा चेक करते हैं बी पे हमने वेल्डर लिखा था, बी के ऊपर क्या लिखा हुआ था, वेल्डन, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो आपने स्विच के थ्रू जो है ना रिमार्क्स भी दे दिए, यानी स्विच के थ्रू भी आपने चेकिंग करा दी उसकी। तो एक ही उसमें प्रोग्राम में हमने क्या करा, इसका जो एडवांटेज हुआ वो ये हुआ, एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने क्या देखा, हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर इफ एज इफ भी देख दिया, मल्टीपल एज इफ भी देख दिया, और साथ में उसके साथ जो है वो स्विच जो है वो ग्रेट को भी करवा दिया। अब ये बात जो है वो कितने लोगों की समझ में आई है पहले वो बताएं। 3 2 1 लिख के ना, 3 2 1, क्योंकि इस वक्त जो है वो मैक्सिमम हमारे पास अटेंडेंस है। ये अच्छा है कि 3 ज्यादा आ रहा है ना, तो उस टाइम मुझे भी है, ये तो 4 हो गया है।
चलो सही है, अच्छी बात है। अच्छा वो गलती से बोर हुआ, चलो सही है, थ्री आ रहे हैं, अच्छी 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 बात है। सोचिए अगर थ्री आ रहे हैं, हम ये करते हैं कि इसको जो है वो उसको कॉपी करते हैं और ये आपके ग्रुप के ऊपर ना, आपके ऊपर के सबको मैंने क्लास में लिया। अच्छा ये क्लास स्टार्टेड वाला है, इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अभी ये आपकी अमानत है, जिसको चला के देखना है वो चला के देखे आराम से, जिसको चला के नहीं देखना चला के ना देखे। लेकिन ये है कि इसमें हमने ना बहुत कुछ कर लिया। तो हमने क्या क्या कर लिया इसके अंदर, इसके अंदर जो है वो हमने एक सिंपल से प्रोग्राम से स्टार्ट करा, लेकिन तमाम लॉजिक्स जो है ना हम इम्प्लीमेंट करते ही चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हमने डेटा डिक्लेयर कैसे होता है वो देखा, अपनी रिक्वायरमेंट चेक करी ना, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये नहीं कि इंग्लिश मैथ क्योंकि आपको आता है तो आप जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी में भी उर्दू इंग्लिश मैथ जो है वो डिक्लेयर कर दो क्योंकि वो आपने याद किया, वैसा नहीं है। वहाँ पे जो है हमें पता है मास और वेलोसिटी वगैरह जो डिक्लेयर, अगेन रिक्वायरमेंट है, पढ़ना है समझना है क्वेश्चन को। उसके बाद जब डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद सिंपल ये होता है इनपुट। इनपुट में ये है कि अगर आपके पास जो है वो स्ट्रिंग आ जाता है तो डायरेक्ट आप स्ट्रिंग ले लेते हो, उसमें आपको कोई कन्वर्जन मेथड की जरूरत नहीं, सही है ना। और अगर जो है वो आपके पास स्ट्रिंग नहीं आता है ना, तो फिर आप क्या करते हो, आप जो है डिपेंडिंग ऑन, अगर वो जो है फ्लोट है, सही फ्लोट है। अच्छा ग्रुप लिंक जो है ना भाई, ये दूसरी दफा मुझसे क्वेश्चन हुआ ग्रुप लिंक का, ये मैसेज आया चैट बॉक्स, ग्रुप लिंक जो है वो कहाँ पे है, ग्रुप लिंक मैं बता देता हूँ ग्रुप लिंक कहाँ पे। अब जो है किसी को भी हमारी क्लास का ग्रुप लिंक चाहिए, एक तो ये है भाई क्लास के अंदर अगर आपको जो है वो उस पे ना सर आजम वाले के ऊपर आपने लिंक नहीं भेजा करें, वहाँ पे असल में वो मुख्तलिफ क्लासेस का ग्रुप्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे साथ है या नहीं है, वो बच्चे जो है ना वो अगर फ्री हैं तो बोलते हैं चलो क्लास ही ले लो, जरा सा रिवाइज कर लेंगे पीएफ को दोबारा, बहुत दिनों में पढ़े हुए, तो उधर नहीं दिया करें। ठीक है, आप जो है ये लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस क्लास, ठीक है, इसको जो है वो आप ऐसे करके ओपन करेंगे। ठीक है, ये आ गई, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये बताओ, ये नफिल और सामिया आपकी ये बात आ गई, कैसे जो है इस पे जाना है। ठीक है, मैं इस वाले लिंक से गया हूँ, इस वाले पे व्हाट्सएप ग्रुप, चलो सामिया ने लग लिया। नफिल आपकी समझ में आया तो कम से कम लिख तो दो ना, ये ठीक है ओके, कुछ तो लिख दिया करो आप लोग, तो ये यार लिखते नहीं अपना, एक बात करके फिर जो है निकल लेते। ठीक है, अच्छी बात है, आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ कोड दोबारा सेंड कर दो, तो कोड जो है वो कोड कहाँ गया, ये रहा, कोड दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है, कोड जो है उसके अंदर मैं एक डॉट लगा देता हूँ, अगर डॉट लगाने से आपको मिल जाता है तो बता दीजिएगा सब लोग, सही है, रिप्लाई करके। और एक मैं डॉट प्रेस कर देता हूँ, अब देखो आ गया सबके पास। ठीक है, सबके पास आगे ना डॉट लगा दो। ठीक है, आप भी बताओ, नासिल आप भी बताओ, आ गया बॉस आपके पास आया, और सामी आपके पास आ गया, आप बोल रहे थे कोड दोबारा कर, नहीं आया। अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो हम दोबारा जाए, वो मैंने वैसे डॉट तो लगा दिया। ठीक है, ये मैंने दोबारा, ठीक है, ये कोड अब सबको नजर आ गया होगा, सबके पास आ गया होगा, सही है, व्हाट्सएप ग्रुप का कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं और ढूंढते रहो फेसबुक वगैरह। अच्छा चलो ठीक है, अब जो है वो ये करते हैं कि ये इसको समझते हैं। देखो हमें जो है ना, हमने जब पीएफ शुरू करी तो हमें पीएफ नहीं आया, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती थी, तो हम लोगों ने मिलकर क्या करा, हमने बोला कि चलो ठीक है इसको सीखते हैं कि कैसे सीखना है। ठीक है, तो सीखने के लिए हमने क्या करा, हमने पहले ये देखा कि वो उनकी वो मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो पहले पता चला कि डेटा टाइप्स होनी चाहिए, तो ठीक है हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, डेटा टाइप्स हमने सीखी।
और डेटा टाइप जो है ना वो हमने कैसे सीखी, वो हमने जो है वो ऐसे यहाँ से सीखी। या तो यहाँ से सीखनी है या यहाँ ये सीखनी है, यहाँ से सीखनी है। अरे ये भी हमें शुरू में ना समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा हम परेशान थे कि इतनी बहुत सारी डेटा टाइप, लेकिन हमें समझ में जब आ गया, जब हमने ये देखा कि ये तो बड़े आसान सा है सिलसिला, क्योंकि इसके अंदर जो है वो खाली हमें इस लिहाज से पता होना चाहिए कि एक तो जो है वो न्यूमेरिक्स होती है, एक नॉन न्यूमेरिक्स होती है। जो नॉन न्यूमेरिक्स होती है जिनसे होती है कैरेक्टर होती है, और एक जो वो स्ट्रिंग होती है। ये जब हमने देख लिया तो अब हमने बोला चलो न्यूमेरिक की तरफ चलते हैं, वो भी देखते हैं। पता चला होल नंबर की ना बहुत सारी होती है, होल नंबर का भी हम कन्फ्यूज थे कि इतनी बहुत सारी है तो क्या करें। तो हमें पता चला हमें जो कॉमन है, जैसे 4 बाइट्स की इंटीजर है तो वो कॉमन है, सही। तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो है बाइट्स के ऊपर डिफरेंस है, कि ये बाइट्स से ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा नंबर बड़ा स्टोर करता है। तो ये बात भी फिर हमें जो समझ में आ गई कि चलो होल नंबर का हो तो नॉर्मली आप देखिए इंटीजर या लॉन्ग यूज करते हैं, मतलब यही करेंगे। अगर कभी जरूरत हुई बाइट की तो थोड़ा ध्यान में रख लेंगे कि बाइट जो एक बाइट का होता है उसकी ये रेंज होती है। और यू का हमने देख लिया कि जो जहाँ पे यू आ जाता है तो उसमें निगेटिव नंबर नहीं आता, बाकी जहाँ पे यू नहीं आता तो वो निगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है। तो अगेन हमें अगर कभी कोई नेगेटिव नंबर चाहिए ही ना हो, हम चाह रहे हो कि नेगेटिव नंबर हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई ऐसी डेटा टाइप है या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, तो हम सारे यू वाले यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमें समझ में आ गया था। फिर हमें समझ में आ गया कि जी ये जो बुलियन डेटा टाइप है ये बड़ी सिंपल सी है, और इसके अंदर ये खाली एक बिट लेती है और इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है। तो इसकी भी कभी जरूरत पड़ेगी ट्रू फॉल्स करिए तो वो हम यूज करके देख सकते हैं। सिर्फ ये बचा था हमारे पास कि ये जो है डेसिमल प्लेसेस वाली ना, तो इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी हम लोगों को कि जी फ्लोट है, डबल है और डेसिमल है तो क्या करें। हमने बोला कि फ्लोट है तो हमें जो है डेसिमल प्लेसेस 7 डिजिट तक जाएगा और 4 बाइट्स आएगा, तो छोटा अगर आपका डेसिमल नंबर है तो यहाँ से ले लेंगे, और डबल का मतलब है उससे बड़ा जो है, मतलब फ्लोट से डबल हो जाएगा वो, और डेसिमल का क्या मतलब है कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब यानी वो हाइएस्ट। तो ये हमें जो डेटा टाइप्स में समझ में आ गई ये वाली बात, जब हमने देख ली 2-3 दफ़ा देगी तो और ज़्यादा अच्छी तो समझ में आ गई, सही है। तो क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने आपको दिखाई है कम अज कम यहाँ पे, इसलिए मुझे तो शोर है कि 2-3 दफ़ा हमने देखी। अगर आप अकेले भी चाहें तो बैठ के ज़्यादा नहीं 2 मिनट दे दें इसको ना, 2 मिनट। और अगर आप 2 मिनट दे देंगे और फिर 2 मिनट जो है वो शाम में दे देंगे, फिर 2 मिनट कल भी दे देंगे, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो आपको हर लैंग्वेज की डेटा टाइप आ जाएगी। क्योंकि ये जो है जर्नल होती है, जावा में भी ये मिलेगी और बहुत सारी पास्कल वगैरह जितनी भी आप देखते ले जाएंगे आपको ये इससे मिलती भी मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये अभी के 2 मिनट प्लस शाम के 2 मिनट के कहते हैं, अगर आपको मेमोरी जो है वो तेज करनी है तो उसके लिए बादाम की जरूरत नहीं होती, उसके लिए रिविजन की जरूरत होती है। और रिविजन कैसे होता है, रिविजन ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने दिन में एक दफ़ा देखी, अगर आप ये चाह रहे हैं सारी ज़िंदगी याद रखें उसको, तो वापसी में जैसे आप पॉइंट वगैरह में जाते हैं तो एक दफ़ा वहाँ रिवाइज कर लें, सही है, बाहर वो हवा वगैरह खाने के बजाय, और उसके बाद लास्ट के अंदर जो है ना घर के अंदर सोते वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लिया करें, तो फिर वो है कि फिर आपकी लाइफ टाइम जो है वो रहती है। तो मेमोरी तेज करने का ये तरीका होता है रिविजन, सही है। ये नहीं कि तरह की चीज़ें आप जाके जो है वो खाते रहें कि भाई मेरी मेमोरी तेज़ हो जाए, तो रिविजन करें एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितना दफ़ा आप रिवाइज करोगे वो एक दफ़ा जहन में बस आना चाहिए वो उसकी पिक्चर जो आप चाह रहे हैं। आपकी जो मेमोरी स्ट्रांग होती है, मेमोरी जो कहते हैं ना इंटेलिजेंट लेवल है, तो वो इसलिए होता है इंटेलिजेंट लेवल के वो सिर्फ इतनी सी इंटेलिजेंस होती है कि रिवीजन कर रहे होते हैं लोग, जो ज़्यादा रिवीजन कर लेता फिर वो एक ग्रेड लेके आ जाता, तो थोड़ा सा टाइम निकालना होता है रिवीजन। अच्छा डेटा टाइप्स अगर अगेन जो रिवीजन में समझ में आ गए तो 3 वगैरह राइट करें, क्योंकि मैं रिवाइज भी साथ में करवा रहा हूँ, 3-2-1 करके राइट करें। मेरी आवाज़ बहुत देर तक जाती है, और अगेन समझ में होनी की आई होगी जो अभी यहाँ पे मतलब सुन रहे होंगे ना, ये सुनना भी इसके नहीं बस शर्त के लिसनिंग, देयर इज डिफरेंट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग जो है वो हियरिंग तो हर कोई करता है, मतलब हियरिंग का ये मतलब होता है कि आपका जहन उस तरफ है या नहीं, फिर भी आप सुन रहे हैं, लेकिन लिसनिंग ये होती है कि आप जो बड़े अकॉर्ड से सुन रहे हैं बात को। तो ये हमने जो डेटा टाइप देख ली थी कहाँ से व्हाट्सएप पे चलता है, ये तो व्हाट्सएप पे हम यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे चलता। तो यहाँ पे फिर हमने देखा डेटा टाइप आगे, डेटा टाइप के बाद फिर हमने देखा कि ये जो है अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना तो वही सही है, वो डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वो इनपुट कराता है, लेकिन अगर जहाँ पे ये बात आ गई कि कोई और डेटा टाइप है जो अभी हमें देखते हैं, तो उसके लिए कन्वर्जन जो है वो मेथड की ज़रूरत होती है, सिंगल का लेता है, इंटीजर का लेता है और लॉन्ग का लेता है। तो फिर हमने कहा कि इसको भी देखते हुए चलते हैं,
ये दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने देखा, और इसके अंदर से ये थे कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड जो है वो हमने देखे, तो कन्वर्जन मेथड जो है वो हमें जो काम के लगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 INT 32, 2 सिंगल अभी हम करके आए फ्लोट के लिए, सही, और जो है 264 जो फ्लोट के लिए। उसके अलावा ये जैसे 2 करेक्टर है ये या 2 बाइट है, तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा नहीं करती। नॉर्मली जो हम इनपुट आउटपुट ले रहे होते हैं तो उसके लिए इंटीजर के लिए होती है, लॉन्ग के लिए, डबल के लिए, फ्लोट के लिए। तो वो जो इम्पोर्टेंट है वो जहन में होना चाहिए, और अगर अनइम्पॉर्टेंट है तो वो आप थोड़ी सी ऐप लेके नेट वगैरह से देख भी सकते हैं। ये एक्चुअली उसकी और मजीद डिटेल दे दी आपको, सही है। ये जो मजीद डिटेल है 22 के ऊपर है, तो कुछ स्लाइड होती है जो इम्पोर्टेंट कहलाती है, सही है, जो कुछ स्लाइड होती है जो इम्पोर्टेंट कहलाती है, तो वो रखें। 18 वाली इम्पोर्टेंट है, अपने पास कहीं नोट रखें 18 के अंदर डेटा टाइप, ठीक है, जो आपको जो थोड़े अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो देखते रहें। उसके अलावा जो ये वाली इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल प्रोग्राम भी दिए मैं आपको, तो ये देख लें जी, इसके अंदर खाली इंटीजर को देख लिया करें 2-3 दफ़ा, और 2-3 दफ़ा जो है वो फ्लोट को देख लें या डबल को देख लें, लॉन्ग को देख लें, ये जो काम काम की चीज़ है। 32 इसलिए करते हैं माफिल के, ये जो है 32 इंटीजर जो है वो 32 का होता है ना, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इंटीजर करें। अगर हमें लॉन्ग करना हो तो 64 का होगा। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये होगा कैसे, तो इसके लिए फिर वो अगर आपको याद होगा ना स्लाइड नंबर, तो आप जैसे 18 अभी हमने कहा कि 18 के ऊपर डेटा टाइप, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमने चेक कर लिया कि इंटीजर कितने का, इंटीजर जो है वो हमारे पास 32 का, तो इसलिए INT 32 लिखते हैं कन्वर्ट, सही, टू कन्वर्ट INT 32। लॉन्ग कितने का, 64 का, इसलिए इसके लिए 64 लिखते हैं। तो ये जो है सही है ना, फिर समझ में आए। अच्छा, अब जो है फिर वो हमने ये चीज़ भी देख ली, ये चीज़ देखने के बाद अब जो है वो हमने कन्वर्जन मेथड होगा, उसके बाद हमने ये तो पहले ही देख ली थी कि आपके पास ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये क्या चीज़ें होती है, भाई इसके अंदर हमने मोड ऑपरेटर भी देखा था, जिसके अंदर जो आपके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के काम आ रहे होते हैं। तो ठीक है, ये देखा और हमने वो फार्मूला देखा जो नॉर्मली बच्चे इंटर में ना मतलब 2 साल तक लगाते रहते हैं और अपनी तस्वूर करते रहते हैं, परसेंटेज 80 से ऊपर आ गए इस तरीके से, लेकिन एंड के अंदर जो पढ़ना पढ़ने की वजह से वो जो 60 इस तरीके से आ जाती है। तो बहरहाल ये वो फार्मूला हमने लगाया, और ये लगाने के बाद हमने जो अपनी परसेंटेज जो कैलकुलेट की, ये परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद जो भी परसेंटेज आ रही है, हम ये चाह रहे थे हमारा प्रोग्राम जो खुद ही जो है ना ग्रेड बताए, तो हमने क्या करा कि इफ एंड के साथ लगाए, एंड इसलिए लगाते हैं कि वो सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब ये एक ऐसा नंबर हो जो कि दोनों यानी कि इन दोनों के दरमियान आ रहा है, ट्रू, जैसे 88 जो है वो ट्रू होगा क्योंकि वो ग्रेटर होगा 87 से और लेस होगा 100। अगर मैं बात करूँ 90 की तो वो भी ट्रू होगा क्योंकि वो ग्रेटर होगा 87 से और लेस होगा 100। तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ये वाली भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली, जैसे मैं बोलूँ 93, तो 93 क्योंकि ग्रेटर है तो ये जो है क्या होगा, ये 1 आ जाएगा, और परसेंटेज लेस देन 100 ये भी 1 आ जाएगा। तो अब जो है अगर हम इसके लिए एंड का ट्रू टेबल देखते हैं ना, सही है, कोशिश करते हैं कि एंड का हमें ट्रू टेबल नेट से मिल जाए। तो एंड का अगर हम ट्रू टेबल ये बहुत सारे ट्रूथ टेबल आ जाते हैं, और बहुत सारे ट्रूथ टेबल के अंदर जो है हम क्या करते हैं, ज्यादा आसान तरीका ही होता है कि आप इसके बजाय डायरेक्ट आप जो है इमेजेस में चले जाओ, इमेजेस में जो आपको पहला मिले, जैसे ये पहला मिल रहा है, ठीक है, इसका ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये एंड का है, तो एंड के अंदर क्या होता है, 111 होता है ना, 111। अच्छा, ये टेबल आपके बड़ा काम आता है जब आप इस टाइप की कंडीशन जो है वो समझ रहे हो, ठीक है, आगे कंडीशन ये रही, ठीक है, ये आपके जो है इसमें बड़े काम आ रहा होता है, इसलिए कि ये देखो ये क्या हुआ। अब इस अपने आपसे क्वेश्चन करो, ये वाला ना यहाँ पे रखो 93 इज ग्रेटर देन 87, यस 93 ग्रेटर होता है, यस, यस का क्या मतलब, 1 आ गया,
93 इज लेस देन 100, यस। तो दोनों सूरतों में यस आ रहा है, तो इसके अंदर अभी हमने क्या देखा था, इसके अंदर देखा था कि ये एंड का टेबल है 111, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रू होकर ग्रेड जो है वो क्या दे देता है आपको, जो भी हमने डिफाइन किया। और जो हमने वैसी एग्जाम्पल देखी थी, सही है, ये वाली एग्जाम्पल देखी थी 77। तो अच्छा 77 को जो है वो आप यहाँ पे व्हाट्सएप में यहाँ पे लेके आ जाते, सही है, 77 को यहाँ पे आप रख के देखो। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 77 है, क्या ये इन दोनों के दरमियान ग्रेटर है? तो ये हमने पिक्चर बनाई थी और पिक्चर में चेक किया था कि 77 इज ग्रेटर देन 87 एंड लेस देन 100, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रही थी। अच्छा फॉल्स आ रही थी, तो जरा इसको जो है ना रख के भी देखते हैं यहाँ पे कि ये क्यों फॉल्स दे रहा है, यानी ये यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे हमने 77 आप रख के अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या जो है 77 जो वो ग्रेटर होता है 87, नहीं 87 से तो ग्रेटर नहीं होता, तो यहाँ पे तो जीरो आ गया। अब आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, जब एक ही जीरो आ गया तो अब आप जो है टेबल पे चले जाओ। टेबल पे एंड कहता है कि अगर एक भी जीरो आ जाए, स्टार्ट में एक भी जीरो आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये जो है हमारे पास इसलिए जीरो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमने इस टेबल की मदद से ये तमाम कंडीशन जो है एग्जीक्यूट कर लेनी, और ये मैंने अभी आपको समझाया भी था, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये ग्रेडिंग, अब हमने कहा कि इसको हमने देख लिया, साथ में हम जो है स्विच भी देख लेते हैं। तो हमने जो है क्या करा, स्विच भी देख लिया, और स्विच के अंदर हमने देखा कि हम जो है जितने भी ग्रेड्स यहाँ पे आ गए उसको हमने स्विच कराया एज अ स्ट्रिंग, और उसके बाद जब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमने जो है राइट करते ये। हाँ 18 और 22 तो आपने लिख दिया, अभी मैं और भी इम्पोर्टेंट स्लाइड बताऊँ। उसके बाद हमने लिखा ये जो है केस, ये ए बी प्लस सारे हमने चेक करे ना, और उसके बाद हमने इसका एंड कर दिया। अब कहने का ये मतलब है कि इसमें हमने क्या सीख लिया, हमने जो है मल्टीपल एज इट्स जो है वो देख लिया, हमने क्या सीख लिया, हमने जो स्विच देख लिया, हमने क्या सीखा, हमने जो तमाम कन्वर्जन मेथड जो है वो देख लिया, ठीक है। और हमने क्या सीखा, हमने डेटा टाइप्स देख ली, ठीक है, इनपुट आउटपुट्स भी देख लिए। तो ये जो ए है तो सिंगल प्रोग्राम, लेकिन इसकी समरी के अंदर मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है कि आप जो है इस पिक्चर की भी स्नैप लो, क्योंकि ये जो है आपको, और इसके ऊपर अपने पास चाहो तो ये आप राइट कर सकते हो कि आपने जो है वो इस पिक्चर से जो है सारा लॉजिक सीखा है किसका, इफ मल्टीपल इफ एल्स इसका ना, वो आपने सीखा है, और इस ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रू टेबल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपको जो है ना, अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम है, सही। यहाँ पे मेरे ख्याल में भेज दिया, किसी ने कोई भेजते ही नहीं है, पता नहीं क्या है आप लोगों के कैमरे जो वो एक पिक्चर लेने के साथ उसमें पैसे लगते हैं क्या, मसला है ये, यहाँ पे लो आप और उधर जो है सेंड करो, यहाँ पे सेंड करो। अच्छा उसके बाद जो है वो, तो ये वाली बात भी हो गई है। अब जो है वो ये करते हैं कि थोड़ा सा इसको और लेके जाते हैं। अब लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, चल भी रहा है सब कुछ, है ग्रेड भी देता, मैं ये कहता हूँ कि इसको जो है ना कुछ ऐसा करते हैं कि जब ये चले ना, तो ये एक स्टूडेंट का, अब देखो मेरा सिनारियो सुनना, बाद में एक्सप्लेन तो मैं बाद में करूँगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे जो है वो सिनारियो ये है इसके अंदर कि ये एक परसेंटेज एक स्टूडेंट की दिखाए, फिर आपसे बोले कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप बोले यस कंटिन्यू करना है तो फिर क्या करे, फिर आपको दोबारा एक स्टूडेंट का नाम इनपुट ले, उसके तीन नंबर ले, और उसकी जो है परसेंटेज और ग्रेड वगैरह शो करे, और फिर आपसे पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप बोले कि नो, दोबारा जाए आप बोले यस, तो फिर जो है वो एक और जो है वो इनपुट ले, तो ऐसे वो चलता रहे। तो अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो जाहिरी बात है वो कौन सा आएगा, वो आएगा लूपिंग का, ठीक है। तो जो मैंने सिनारियो आपको बताया है यहाँ तक जो है वो लोग कहीं और फूट हुआ गया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी आ गया हमारा, देख गुड गुड स्वामी और मास्टर ने, ठीक है। अच्छा तो ये जो है हमारे पास, अब कोई और तीसरा बंदा ना जिसके पास वो कैमरा भी है, वो ये जो है ना ये भी कर दे साथ में, ताकि बच्चों को पता तो चले कि ये इससे कितना क्लोज होता है, और आपकी ये जो टेबल है कितनी हेल्प कर सकता है,
इसका जो है एंड और नॉट, इसी का भी अगर आप ले लो जोर की जरूरत। अच्छा तो अब जो है वो ये भी हमने देखे है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट जिसकी समझ में आ गई है कि मैं क्या जा रहा हूँ, वो जो फी लिख दे। मैं अगेन पहले रिपीट कर दूंगा, समझ में नहीं आई तो रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आप इधर उधर हो गए फिर सोच रहे हो, मैं बोलो तो रिपीट कर दूंगा पहले। अभी जो नई बने रिक्वायरमेंट दी है, वासी भी समझ में आ गई है, काजिम भी आ गई है, तो सपोर्ट। अच्छा चलो सिर्फ तीन चार लोग थ्री लिख रहे हैं, चलो सही है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इनपुट है ना इधर से देख लेते, ये इनपुट है एक स्टूडेंट के करे, उसके बाद ये करके वेलडम करके बाहर आ गए। मैं बोलूँ ये ना हो बल्कि बोले डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर बोले डू यू वांट टू कंटिन्यू तो फिर जो है वो फिर जो है वो फिर चले दोबारा तो चले। ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअली किस तरीके से ये पॉसिबल होता है, ये होता है लूपिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक, जो लूपिंग जो है वो आप डिफाइन कर रहे होते हैं उसके थ्रू जो है वो आप ये चीजें जो है वो डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर जो है वो जो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। वो एक सिक्वेंशियल होता है, सही, सीक्वेंस इन सीक्वेंस। एक जो होता है, बल्कि मैं इधर राइट कर दूँ, मैंने वो चीज ना डाउनलोड की थी, एक मिनट चेक कर। अभी मैं शेयर, अभी सर लेस देन 1 मिनट आइए, इसके बाद कर देंगे। ठीक है, अभी आप ब्रेक पे जाओ, फिर अटेंडेंस भी दोबारा लूंगा। सही, तो आप लोग आ जाना।